हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग वीडियो। मैं हूँ प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंकाज फेरी टेल व्लॉग्स पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। सब मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया हुआ था कि मैं अपनी मम्मी के साथ करंजिया से अमरकंटक जा रही हूँ और वो सफ़र मैं आपको दिखाने वाली थी। सो आज का मेरा ये ब्लॉग अमरकंटक आने का था और यहाँ पे मैं क्या सब करने वाली हूँ आगे मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मैंने आज का दिन अपनी मम्मी के साथ कैसे एक्सप्लेन किया और अमरकंटक कैसा है, कितना खूबसूरत है। जिस किसी ने नहीं देखा होगा वो आपको इस वीडियो में देखने को ज़रूर मिलेगा। सो आप देख सकते हैं मैं अमरकंटक पहुंच गई हूं और यहां पे मैं मम्मी के साथ बारी बारी से जो जो तीर्थ स्थल हैं वहां जाने की पूरी कोशिश करूंगी कि दिन भर में इतना तो मैं घूम ही लूँ। वैसे तो यहां पे बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। सो मैं एक एक करके जितना हो सकेगा सारी जगह घूमूंगी और आपको भी मेरे साथ घुमाऊँगी। सो चलिए चलते हैं पहाड़ियों की ट्रैकिंग करते हुए। हम सबसे पहले हम इन पगडंडी नुमा रास्तों से निकलकर हम सबसे पहले जाते हैं दूधधारा और कुछ ही देर में हम दूधधारा पहुंच जाते हैं जो कि कपिलधारा से 500 मीटर की दूरी पर है। तो पैदल चलते हुए हम यहां आते हैं और आप देख सकते हैं यहां की खूबसूरती, कितना प्यारा लगता है ये। और यहां पे आप देख सकते हैं कितने सारे बंदर हैं, काफ़ी लोग यहां पे स्नान कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने में ही मस्ती कर रहे हैं। इन पहाड़ों के बीच में नर्मदा मैया के द्वारा वाटरफॉल की खूबसूरती ये देखते ही बनती है। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लग रही है देखने में। अभी आपको चल के मैं कपिलधारा भी दिखाने वाली हूँ, वहाँ का नज़ारा देख के तो आपका मन मोहित ही होने वाला है। सो यहाँ पे एक गुफा भी है, ये है दूधधारा और यहाँ पे एक गुफा है शिव जी की गुफा और ये पत्थरों को काट कर बनाई गई है। और हम लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए, पूजा करते हैं और थोड़ा सा वीडियो क्लिप मैं आप लोगों के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। अभी यहाँ पे बहुत अंधेरा था तो मैं आपको क्लियर सब कुछ नहीं दिखा सकती। सो ये गुफा के अंदर मैं जाती हूँ और यहाँ पे नर्मदा मैया की मूर्ति है तो वहाँ पे सब पूजा करते हैं अंदर जाके। और यहाँ पे बहुत सारी छोटी मोटी गुफा बनी हुई है जो कई रास्तों से निकलती हुई और दूसरी गुफा की ओर जाती हैं। सो हमने शिव जी के दर्शन कर लिए हैं और गुफा को भी थोड़ा सा घूम लिया है। यहाँ पे क्या कैसा सब है आप सब ने देखा और अंधेरे में मैं आपको क्या क्या ही दिखा पाती। आप जरूर आइएगा यहाँ खूबसूरती और यहाँ का नज़ारा देखने के लिए और नर्मदा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आइएगा। ये बहुत ही पवित्र भूमि है और यहाँ पे जो प्राकृतिक है रूप से जो ये प्रकृति है ना यहाँ की बहुत सुंदर है। आपको देखने में ना सुकून आएगा, यहाँ पे आप आओगे ना तो यहीं के हो जाओगे। सो शिव जी के दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे बंदर हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और नर्मदा नदी से स्विमिंग पूल का मजा ले रहे हैं जो कि देखने में बहुत क्यूट और बहुत प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर लग रहा है देखने में। ये सब मैं आपको अपने मन के अंदर की प्रसन्नता बता ही नहीं सकती। उसके बाद हम निकल आते हैं कपिलधारा निकलने के लिए और काफ़ी थक गए होते हैं लेकिन हमारी ब्लॉगिंग कंटिन्यू रहती है। आप देख सकते हैं मम्मी तो बस इतने में ही थक गई लेकिन फिर भी घूमना तो बहुत कुछ रह गया था। अभी तो पहली जगह हमने घूमी है और इतना थक गए हैं हम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह जगह आपको बंदर दिख जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा बेबी है बंदर का, वो अपनी माँ के साथ किस तरह से खेल रहा है जो कि माँ की ममता को बहुत खूबसूरती से दिखा रहा है। तो हम पत्थरों के रास्ते से, जंगलों के रास्ते से निकलते हुए हम पहुँच जाते हैं कपिलधारा की ओर। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना नहा रहे हैं। ये है कपिलधारा। हम नीचे तक नहीं गए क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि एक दिन में हम सब कुछ घूम पाएंगे, तो हम दूर से ही हम नज़ारे को देख रहे थे, उसको फील कर रहे थे। कभी फुर्सत में आएंगे तो बहुत अच्छे से घूमेंगे। और बस आप देख सकते हैं कपिलधारा की खूबसूरती, ये कितने ऊँचाई से नीचे गिरती हुई। और इसके बाद चलिए हमने यहाँ पर भी थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक की और यहाँ पर काफ़ी लोग जो है नहा रहे थे। देन उसके बाद हम निकल आते हैं और आप देख सकते हैं सीढ़ियों के रास्ते चढ़ के उतरना चढ़ना बहुत मुश्किल होता है,
मैं तो चढ़ के बैठ जा रही थी और मम्मी का भी बस यही हाल हो रहा था, वो भी थक जा रही थी। आप कभी आओगे ना तो पूरी तैयारी से जरूर आइएगा, और चप्पल से तो आप चल ही नहीं सकते, मैं चप्पल बोलूं सैंडल बोलूं चप्पल ही पहन के आना आप, मैं तो यही कहूंगी। उसमें भी आपको चला नहीं जाएगा, मैंने तो वो भी उतार दी थी। उसके बाद हम कपिलधारा को ऊपर से देखते हैं, ये यहाँ पे ग्रिल्स बनी हुई है, यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं यहीं से बस खूबसूरती का मजा लेते हैं और यहाँ पे आके फोटोज क्लिक करवाते हैं। यहाँ की जो प्राकृतिक जो नेचर है इसका खूब आनंद उठाते हैं। यहाँ पे जो है ना, ये जो एरिया है ना अमरकंटक, बहुत ही ठंडा एरिया है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हैं ना, इनकी खूबसूरती अलग ही बनती है। जब मैं सफ़र कर रही थी ना बस में, तो बहुत प्यारा लग रहा था देखने में सब कुछ। आप जब आएंगे तो यहीं के हो जाएंगे। यहाँ की जो प्राकृतिक खूबसूरती है इसको देख के आपका मन मोहित होने वाला है, मैं तो पक्का गारंटी दे रही हूँ आपको। सो हम काफ़ी थक गए हैं और हम आ गए हैं अपने ऑटो पे, जिसे हम बुक करके लाए थे यहाँ तक, और हमें भूख लग जाती है तो हम उसके बाद में गन्ने का जूस पीते हैं। काफ़ी गर्मी हो गई थी हमें क्योंकि घूमते घूमते, उसके बाद हमें भूख लगाती है तो हमने पराठे और चटनी लेके आए थे, उसको हमने खाया लंच में। और खाने के बाद, और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे होता क्या है, हमारा जो ऑटो था जो हम बुक करके लेके आए थे वो हमें छोड़कर किसी और सवारी को लेकर उनको घुमाने निकल पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे घूम रहे होते हैं तो थोड़ा सा हम लेट हो गए, हमें क्या पता था कि हमारा ऑटो वाला कहीं और निकल जाएगा। सो हम आते हैं दूसरे ऑटो से बात करते हैं, तब तक हमारा ऑटो हमने बुक किया था वो आ जाता है। फाइनली हमें थोड़ा सा सुकून मिलता है कि चलो हमें यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ऑटो बहुत मुश्किल से मिलती है, वो बस स्टैंड से ही मिलती है और आता भी क्यों नहीं, उसने पैसे जो लेने थे, है ना। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं दूसरे लोकेशन की ओर और पहुंच जाते हैं जैन मंदिर, जो कि हमने पहले कभी देखा नहीं था। जब मैं बहुत छोटी थी ना तब यहाँ पर आई हुई थी, तब ये मंदिर यहाँ पे नहीं था। सो उन्होंने ये भी हमको दिखाया जो कि बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं इसकी जो खूबसूरती है आप बाहर से ही देख सकते हैं, अंदर कितना खूबसूरत होगा। खैर ये वाला, यहाँ पे दो जैन मंदिर थे और एक जैन मंदिर बंद था, तो हम निकल पड़ते हैं दूसरे जैन मंदिर की ओर। और यहाँ पे जो नीचे फर्श था ना पत्थर का था, इतना गर्म था कि हम दौड़ पड़ते हैं और हमको बिल्कुल वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पहले हम दौड़ पड़ते हैं मंदिर को देखने के लिए। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये मंदिर बना हुआ है और यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं, आप यहाँ पे नक्काशी देख सकते हैं कितनी सुंदर बनी हुई है, जो कि देखते ही बनती है इस मंदिर की। और ये जैन मंदिर है और यहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है जो कि कितनी सुंदर है। यहाँ पे हमने इनका आशीर्वाद लिया, यहाँ पे थोड़ी देर समय बिताया और यहाँ की कलाकृतियों को देखा, नक्काशियों को देखा जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है। यहाँ की मूर्ति आप देख सकते हैं। सो ये है प्यारा सा मंदिर और जो कि काफ़ी बड़ा है, आप यहाँ आएंगे ना देखने के लिए तो बस देखते ही रह जाएंगे, इतना खूबसूरत यह मंदिर बना हुआ है। सो ये अमरकंटक में ही है तो आप देख सकते हैं, इसको देखते हुए ये मंदिर तो हमने घूम लिया। अब हम निकल रहे हैं अपनी दूसरी लोकेशन की ओर, तो चलिए देखते हैं हमारे ऑटो वाले भैया हमको किस लोकेशन पर ले जाते हैं, तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ हम जिन रास्तों से निकलते हैं वहाँ पे हमारी नर्मदा मैया हमको सामने दिख जाती है। सो तो हम पहुँच जाते हैं नई लोकेशन पे और हमें आकर पता चलता है कि ये है माई की बगिया, जो कि मुझे थोड़ा बहुत याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी, तो ये जो नज़ारा है मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था अपने बचपन से। और यहाँ पे आके मुझे बहुत सुकून मिला, यहाँ पे बहुत ठंडक और प्राकृतिक जो नेचर है यहाँ का बहुत प्यारा है, यहाँ की प्राकृतिक हवा, ठंडाहट बहुत प्यारी है। सो चलिए अब इस मंदिर को भी घूम ही लेते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे भोज हो रहा है, जो कि ये तीर्थयात्री हैं जो चारों धाम की यात्रा को घूम के आके, चारों धाम की यात्रा करके और यहाँ आकर अपना फास्ट तोड़ते हैं और इसके आगे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे तीर्थयात्रा का सारा रूल नहीं पता है, तो मैं इससे आगे इसके बारे में कुछ बताऊंगी नहीं, पर इसको देखकर, ये जो भोज हो रहा था इसको देखकर मुझे काफ़ी कुछ समझ आ गया था। सो इसके बाद यहाँ पे हम मंदिर जब घूम रहे थे ना, तो यहाँ के पुजारी जो है ना वीडियो शूट नहीं करने दे रहे, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी बहुत क्लिप ही आपको दिखा पा रही हूँ। ये है हनुमान मंदिर और यहाँ पे काफ़ी कुछ निर्माण कार्य चल रहा है अभी भी। उसके बाद हम आ जाते हैं अब चौथी लोकेशन पर। ये है हनुमान मंदिर जो कि पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छी पहाड़ी है जिस पर ये मंदिर बना हुआ है, तो सीढ़ी से हम उतर रहे हैं आधी बीच की पहाड़ी की तरफ जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। और आप देख सकते हैं सीढ़ी से उतरते हुए ये महात्मा जी किस तरह से बैठे हुए हैं, इनको देख के हमें मजा ही आ गया और इनको किसी से डर ही नहीं है, उनको लग रहा है कि ये बस मेरा एरिया है और यहाँ पे मेरा राज है। सो इनको देख के हम बस मजे ले रहे थे और इनको खिलाए हमने थोड़े से चने।
अब यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पे बंदर ना रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी तो हनुमान जी का ही रूप है ना। सो हमने इनको चने खिलाए और हमें इतना डर लग रहा था कि हमारे हाथ में जितने चने थे हमने सारे डाल दिए उनके डर से, ये कहीं हमारे हाथ को ही ना झमट ले। सो हमने सारे चने डाल दिए उनके सामने। थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पे एक हिल है जहाँ से नर्मदा माता निकलती है। तो यहाँ के आप देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पे नज़ारा लग रहा है। और ये है ऊंचाई से नीचे का नज़ारा देखने में कुछ इस तरह से लगता है। ये पहाड़ियाँ, ये वादियाँ आप देखते ही आपका मन जो है ना बहुत खुश हो जाएगा। सो यहाँ पे भी एक धारा बहती है और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और यहाँ की अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं जिस लोकेशन पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पे हम दर्शन करते हैं। उसके बाद आगे भी और भी मंदिर है, वहाँ पे भी हम दर्शन करते हैं। और ये है नर्मदा माँ का स्थल जहाँ से नर्मदा माँ निकलती हैं, नर्मदा मैया निकलती हैं। आप देख सकते हैं ये कुंड है नर्मदा मैया का। उसके बाद एक और मंदिर है, ये मंदिर है खूबसूरत सा। यहाँ पे हमने दर्शन किए उसके बाद हम निकल आते हैं अपनी पांचवी लोकेशन पर। और ये कौन सा मंदिर है मुझे याद कुछ तो आ नहीं रहा है ठीक से। सो ये कोई प्राचीन मंदिर है और ये बहुत पुराने समय में बना हुआ था, राजा महाराजाओं ने बनाया था। जो कि मैंने यहाँ पे मूर्तियाँ देखी बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर थी। यहाँ पे भी आके हमने मूर्तियों के दर्शन किए, माता जी यहाँ पे विराजमान हैं उनके दर्शन किए। उसके बाद हम यहाँ पर घूम के आके आ जाते हैं अपनी छठवीं लोकेशन पे। फाइनली नर्मदा उद्गम स्थल हम आ चुके हैं और यहीं पे ये प्राचीन मंदिर है जो कि बहुत पुराने समय में बना हुआ था और यहीं पे लोग दर्शन के लिए आते थे, यहीं पे माता जी की स्थापना थी। ये प्राचीन मंदिर है जो प्राचीन काल में यहाँ पे जो लोग हुआ करते थे वो यहीं पर आते थे, इस कुंड में नहाते थे और ये जो मंदिर है यहाँ पे दर्शन करते थे। तो ये मंदिर काफ़ी पुराने हो गए थे तो यहाँ पे यहाँ की सारी मूर्तियों को नए मंदिर में स्थापित कर दिया गया है और यहाँ पे जो इन मंदिरों को जो है सेफ रख दिया गया है। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे 25 रुपीज का टिकट देते हैं, उसके बाद में यहाँ पे प्राचीन मंदिर को देखने आते हैं और यहाँ के दर्शन करते हैं। और इस प्राचीन मंदिर के आसपास इतना प्यारा गार्डन बना दिया गया है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और ये जो कुंड है ना ये भी देखने में बहुत प्यारा है और इसको देख के आप समझ पा रहे होंगे उस ज़माने में यहाँ पे किस तरह से चीज़ें हुआ करती थी और आप भी उसको देखकर फील कर पाएंगे। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं नर्मदा मंदिर जो कि नर्मदा मैया का उद्गम स्थल है और आप देख सकते हैं हम वहाँ पहुँच गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आके स्नान करेंगे, उसके बाद हम जाकर नर्मदा मैया की पूजा करेंगे। जहाँ पे नर्मदा मैया का उद्गम स्थल है वहाँ पर जाएंगे। मेन जो पॉइंट है नर्मदा मैया का जहाँ से माता जी का उद्गम हुआ है वहाँ पर हम जाने वाले हैं। तो हमने स्नान कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं नर्मदा माता मंदिर दर्शन करने के लिए, पूजा के लिए। और आप देख सकते हैं मम्मी और मैं बिल्कुल सेम पिंच लग रहे हैं ना, सेम कपड़े, हमने तो डिसाइड भी नहीं किया था और हमारे कपड़े मतलब सेम निकल गए, सो एक जैसे लग रहे हैं। सो हमने सबसे पहले पूजा की थाली ली और पूजा का सामान लिया और अब हम आ गए नर्मदा मंदिर। और आप देख सकते हैं ये है कुछ नए मंदिर का नज़ारा जो कि बहुत खूबसूरत है। सो हम सबसे पहले आ जाते हैं नर्मदा कुंड जो कि प्रथम कुंड है। यहाँ पे सबसे पहले उद्गम यहीं पर हुआ था मैया का, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये जो उद्गम स्थल है यहीं पर हम सबसे पहले आके पूजा करेंगे, दीप दान करेंगे, माता जी के दर्शन करके पूजा करके और माता का आशीर्वाद लेकर और हम आगे भी और भी मंदिरों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। उसके बाद हम बस ये लास्ट लोकेशन थी और इसके बाद हम घर निकल जाएंगे। सो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे पूजा करते हुए हमारा प्रसाद जो है ना एक बंदर आता है उसको चोरी करके ले जाता है प्रसाद को। और आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे साथ ये घटना घटी और मैं उससे वो प्रसाद का जो थैला है वो ले भी नहीं पाई, तो उसने उसमें से प्रसाद निकाला और थैला वहीं छोड़ दिया और हमने वो थैला उठा लिया। कोई बात नहीं, हमारे बजरंग बली थे वो, हमारे हनुमान जी थे जिनको प्रसाद चाहिए था तो ले गए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी मंदिरों के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, सभी प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित हैं और सभी प्रकार की माताएं। और ये आपको बता दूँ यहाँ का जो मेन पॉइंट है ना ये है हमारे गन्नू जी हाथी। और यहाँ पे जो है ना कहा जाता है कि यहाँ पे जो है इनके पैरों के बीच में से अगर जो इंसान निकल जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो इंसान अच्छा होता है दिल का और मन का अच्छा होता है, वही यहाँ से निकल पाता है। और जो झूठा होता है,
जो बेईमानी करता है, जो गंदा इंसान है, वो यहाँ से नहीं निकल पाता। तो मैं तो बड़ी आसानी से निकल गई, लेकिन मम्मी की हेल्थ की वजह से उनको दिक्कत हो रही थी। फाइनली वो निकल ही गई और भगवान ने उनकी भी सुन ली और चलिए हमारे सारे पाप धुल गए। जीवन में आगे पीछे जितनी भूल चूक हुई यहाँ पे हम उनको माफ़ी मांगते हैं और उन भूल चूक से सीखते हैं। सीखने के लिए हमें वो प्रेरित करें, हमें सही रास्ता दिखाएं। उनसे बोलते हुए फाइनली निकल गए हैं यहाँ से। कभी आप यहाँ पर आएंगे ना तो ये हाथी को पार करके ज़रूर जाइएगा। ओके, सो उसके बाद में हम मंदिर, और भी मंदिर हैं वहाँ पर दर्शन करते हैं नर्मदा मैया के। और दर्शन करते हुए चलिए, छोटे छोटे मंदिर काफ़ी सारे हैं यहाँ पर जिनके दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी सारी माताजी स्थापित हैं। वहाँ पे पंडित थे, उनकी वजह से उन्होंने बोला था यहाँ पे कैमरा यूज़ करना मना है। सो मैं ज़्यादा अंदर जो है ना आपको अंदर का नज़ारा नहीं दिखा पा रही थी मंदिर का। पंडित जी लोग सभी बैठे हुए थे। इस तरह से हमने अमरकंटक आधा एक्सप्लोर कर लिया, जो कि मेन मेन जो पॉइंट्स थे अमरकंटक के जो कि देखने लायक हैं वो सारे हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं। माता जी के दर्शन कर लिए हैं और माता जी के गोद में हमने स्नान भी कर लिया है। उसके बाद हम निकल आते हैं। मेरी बैटरी काफ़ी लो हो गई थी फ़ोन की, तो मैं वीडियो थोड़ा सा रुक रुक के बना रही थी। जहाँ पे मेन पार्ट्स थे वहीं पर बना रही थी। उसके बाद हम निकल आते हैं बस स्टैंड, वहाँ से हम बस लेते हैं और निकल आते हैं अपने घर। और ये कुछ मेमोरीज़ हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने सेव करने के लिए अपने पास इनको क्लिक की और यादों को इकट्ठा करने के लिए फ़ोटोज़ ली हैं। सो आप देख सकते हैं, ये था मेरा अमरकंटक का सफ़र जो कि बहुत खूबसूरत था। आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और दोस्तों, ये बहुत प्यारी जगह है और आपको यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा, यहाँ की खूबसूरती आपका मन मोह लेने वाली है। तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा और यहाँ का आनंद लीजिएगा, नर्मदा माता के दर्शन करिएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा नर्मदा मैया का सफ़र। तो चलिए अभी के लिए इस व्लॉग वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।